दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कंडाघाट में हथौड़े से वार कर मार डाली मासूम बहन। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण सड़कों पर उतरे ग्रामीण। शाहतलाई मंदिर में घुसा गटर का पानी, श्रद्धालु निराश। मंडी बाजार में चौहाटा जातर, एक साथ विराजमान हुए सभी देवी देवता। कुल्लू में 1600 से अधिक युवा नशे से आजाद। अरब समाचार विस्तार से। कंडाघाट की कोट पंचायत में हत्या का मामला सामने आया है। पंचायत के एक युवक ने अपनी मां व बहन के साथ मारपीट की और फिर बहन को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मां का इलाज IGMC में चल रहा है। यह परिवार नेपाली मूल का है। सूचना मिलते ही कंडाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और SP सोलन अभिषेक यादव ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटनास्थल से शराब की बोतल व वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है कि आखिरकार लड़के ने बहन की हत्या क्यों की। मृतक लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। पांवटा साही में गिरिपार क्षेत्र के आंज भोज के राजपुर में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव के कारण ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। राजपुर नागरिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी लंबे समय से चिकित्सकों व फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हुए हैं, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द ही खाली पड़े सभी पदों को भरने की मांग की है। इस दौरान आंज भोज के सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण व प्रेम वर्मा, अश्विनी, पूर्व उप प्रधान रणवीर, संजीव आदि ने बताया कि जनमंच में भी यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो जवाब दे सरकार इसका हमें, और हमें यहाँ पे डॉक्टर चाहिए, पूरा स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए, और इसके लिए अगर स्टाफ नहीं होता है या सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम जो है यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठेंगे। और अभी तो हमारे पास बहुत कम लोग आए हुए हैं, हम पूरे क्षेत्र के लोग सड़कों पे उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए अगर कोई भी हानि होती है, सरकार की संपत्ति की हानि होती है, तो उसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। धन्यवाद। शाहतलाई के चैत्र मेलों में पहुंचकर लोगों को निराश होना पड़ रहा है। गुरुनाथ झाड़ी मंदिर में गंदगी का ऐसा आलम है कि चलना तो दूर, मंदिर के इर्द गिर्द ऐसी बदबू फैली हुई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पिछली रात किसी सराय संचालक द्वारा गटर खोल दिया गया, जिससे गटर का पानी मंदिर के अंदर घुस गया। गुरुनाथ झाड़ी की सारी सड़क इस गटर के पानी से भर गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मंदिर के अंदर कैसे गंदगी फैली हुई है और साथ लगती सड़क में कैसे गंदा पानी बह रहा है। शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन मंडी बाजार में चौहाटा की जातर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में चौहाटा बाजार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और देवी देवताओं के दर्शन किए। चौहाटा की इस जातर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। रियासत काल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जा रही है। मान्यता है कि सदियों पूर्व चौहाटा बाजार के साथ लगते बाबा भूतनाथ मंदिर की तत्कालीन राजा के विधिवत रूप में स्थापना करवाई गई थी और उस दिन शिवरात्रि थी। बाबा भूतनाथ मंदिर स्थापना के उपलक्ष्य पर उस दिन मेले का भी आयोजन करवाया गया तथा तभी से यह परंपरा आज दिन तक निभाई जा रही है। आज जो है चौटी की जातर संपन्न हुई, क्योंकि चौटी की जातर में सबसे पहले हम राजमंडल जाकर हमारे अध्यक्ष जो चेयरमैन हैं मिला कमेटी के, उन्होंने राजमंडल में जाकर पूजा की। उसके बाद कुछ जो चादरें थी हमारे निजराने की दी जाती है, उसको देवताओं को आवंटित की। उसके बाद यहाँ भोजनाथ में भी आकर व्यापार मंडल द्वारा कुछ देवी देवताओं की पूजा कराई। आज जो हमारे चौटी की जो अंतिम यात्रा होती है, इसमें जितने भी देवी देवता हैं वो सारे ही चौटे में बैठते हैं, जिससे शुरू से जो हमारी लगातार जो प्रक्रिया चली आ रही है वो आज भी संपन्न है। इसलिए बड़े हर्षोल्लास बनाया, मगर मेला हर्षोल्लास बनाया जाता है, मेला बनाया जा रहा है। हमारे कुछ संसदीय सांसद श्रीराम शोक का निधन होने पर थोड़ा शोक है, उसको शोक माने शोक के दस में हम जिले भी शोषण निकाल रहे हैं,
ताकि जो देवताओं की परिक्रमा परिक्रमा पूरी कर दिया और ये सब देव समाज को महसूस भी है उनके निधन होने पर। तो ये दुख की बात है कि ये बहुत अच्छे इंसान थे जिनके अंदर कभी हमने कोई गुस्सा नहीं देखा, जब भी बात करते बड़ी तहमी से बात करते थे और जिसने भी उनसे कोई डिमांड हमारी देवी देवता रखी उन्होंने पूर्ण किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में संचालित नशा मुक्ति केंद्र हजारों नशेड़ियों को जीवन प्रदान करने में सफल हुआ है। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सत्यव्रत वैद ने कहा कि जिला अस्पताल में वर्ष 2016 में यह केंद्र पूरी तरह से क्रियान्वित और सक्रिय बनाया गया। तब से लेकर लगातार केंद्र में नशे की लत में पड़े नौजवानों व प्रौढ़ व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। डॉक्टर वैद ने कहा कि वर्ष 2019 में केंद्र में 1942 लोग उपचार करवाने के लिए आए थे, जो बाद में अपने घर जाकर आम लोगों की तरह परिजनों के बीच हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोरोना काल के दौरान में 1240 से अधिक युवाओं का केंद्र में उपचार किया गया। इसी तरह अभी लगभग 1600 लोगों का नशा मुक्ति केंद्र में सफल उपचार किया गया है। कुल्लू में देखा जाए तो जो थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप है उसमें अल्कोहल शराब के मामले ज्यादा आते हैं और यंग जनरेशन में देखा जाए तो हेरोइन के चिट्टा के मामले जो हैं वो ज्यादा हमारे पास आते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये मैक्सिमम लोग जो हैं अपने आप से आते हैं, खुद से आते हैं, अपने आप मोटिवेट होके आते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। तो डी एडिक्शन ओपीडी जो है करीबन 5 साल हो गए इसको शुरू हुए और लेकिन पिछले 2 सालों का आंकड़ा जो लिया जाए तो 2019 में हमारे पास करीबन 1942 पेशेंट्स आए हैं और 2020 में हमारे पास 1240 पेशेंट्स आए हैं। लेकिन